नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल में शिमला जिले के बागी क्षेत्र में चेरी की फसल पर फाइटोप्लाज्मा की बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र में चेरी के 90% पेड़ फाइटोप्लाज्मा की चपेट में सूख चुके हैं। बागी के अलावा कोटगढ़, नारकंडा, थानाधार, कंडियाली और कुमार सेन में चेरी की फसलें काफी ज्यादा होती हैं। यदि इन क्षेत्रों में यह बीमारी ने दस्तक देती है तो बागवानों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीमारी से पूरा पौधा अपने आप ही सूख रहा है, पत्ते सूख कर झड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक इस बीमारी के बारे में सही जानकारी बागवानी विभाग के पास भी नहीं है। चेरी की फसल प्रदेश की आर्थिक में लगभग 200 करोड़ रुपए का योगदान देती है, जिस पर बीमारी की दस्तक से संकट के बादल छा गए हैं। इसे लेकर बागवानी विभाग भी अलर्ट है। बगीचों में फाइटोप्लाज्मा बीमारी की जांच के लिए बागवानी विभाग ने विशेषज्ञों की टीम फील्ड में भेज दी है। जिन पौधों में बीमारी लगी है उनके सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। निदेशक बागवानी सुदेश मोक्ता ने कहा कि ये बीमारी को रोकने के लिए स्प्रे शेड्यूल पर भी काम किया जा रहा है। चेरी के पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं। पत्तों को पूरी तरह झड़ने के बाद मार्च अप्रैल में ही फाइटोप्लाज्मा पर सही जानकारी मिल पाएगी। प्रदेश में अचानक इस बीमारी के आने से बागवानी विभाग में बैठक बुलाकर स्थिति से निपटने की रणनीति बनाई रही है। प्रदेश में चेरी के बगीचों में इस तरह की बीमारी पहली बार देखी गई है। शिमला जिले के 400 हेक्टेयर जमीन पर चेरी की फसलें होती हैं, जिसका उत्पादन 800 से 850 मीट्रिक टन फसल का है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।